बेअसर रहे हरियाणा के लाल, एक को छोड़ 87 उम्मीदवारों की जमानत जब्त, पार्टी को एक गुड न्यूज। हरियाणा चुनाव में काफी जोर शोर से प्रचार करने वाली आम आदमी पार्टी यानी आपको करारी हार मिली है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य होने के बावजूद यहां आप खाता तक नहीं खोल पाई। पार्टी ने 90 में से 88 सीटों पर चुनाव लड़ा, केवल एक उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहा, बाकी 87 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। उनका वोट शेयर 1.8% रहा। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर के डोडा से आप उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जो काफी चौंकाने वाला था। कांग्रेस के साथ नहीं बनी बात, आपने कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन भारी विरोध की वजह से बात नहीं बनी और दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनावी रण में उतरने का फैसला किया। मंगलवार को आए चुनाव परिणाम हरियाणा में आपके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी न केवल अपना खाता खोलने में नाकामयाब रही बल्कि उसका वोट शेयर भी 2% से भी कम रहा। यह तब हुआ जब पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, जो भिवानी जिले के सिवनी से हैं, केजरीवाल ने जमानत पर रिहा होने के बाद अपने गृह क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक रोड शो और आउटरीच कार्यक्रम किए और हरियाणा के लाल के लिए वोट मांगे। वोटर्स को नहीं लुभा पाए। TOI की रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल का ऐसा कहना है कि अगर वे ईमानदार हैं तो उन्हें वोट दें, और आपकी भावनात्मक कैंपेन मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रही। पार्टी ने अपने सभी नेताओं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ एक हाई वोल्टेज चुनावी अभियान चलाया, जिसमें उसने भाजपा पर काफी तेज हमले किए। उन्होंने भ्रष्टाचार और एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उनकी कोशिशें मतदाताओं को प्रभावित करने में असफल रही। एक को छोड़कर सबकी जमानत जब्त, इसके अलावा आपकी मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और बेरोजगारी दूर करने के उपाय जैसी गारंटियों का भी लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। जगाधरी में 43,813 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। आप उम्मीदवार आदर्श सिंह को छोड़कर पार्टी के सभी 87 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।